बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें 13 महत्वपूर्ण सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कामों को लेकर सूचना जो सूची है वो सामने आएगी। रविवार को हुई अलग अलग समितियों की बैठक, आगामी जिम्मेदारी को लेकर खाका तैयार किया गया है। और महत्वपूर्ण खबर यह है कि 19 जुलाई को बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें 13 महत्वपूर्ण सदस्य मौजूद रहेंगे। जानकारी लेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, 19 जुलाई को एक बड़ी बैठक, सर क्या कुछ एजेंडा और कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा? देखिए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अभी दो दिन भी बैठकें चली हुई जिसमें भूपेंद्र यादव और नरेंद्र सिंह तोमर और खासकर अश्विनी वैष्णव शामिल हुए, लेकिन एक पूरा प्रोफार्मा तैयार हो गया है किस तरह भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है। लेकिन जो नामों की घोषणा है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहाँ जिम्मेदारी है, कैलाश विजयवर्गीय जी क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, उमा भारती जी क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, और भी जो सीनियर लीडर है राजेंद्र शुक्ल कहाँ जिम्मेदारी निभाएंगे, तो अब इसको लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। और ये बैठक 19 को रहेगी जिसमें अमित शाह जी को छोड़कर बाकी जो 13 लोग अमित शाह जी के साथ बैठे थे वो सभी लोग इसमें शामिल रहेंगे। इस बार पंकजा मुंडे भी बैठेंगे जो सह प्रभारी है मध्य प्रदेश की। तो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होने के बाद, यानी रणनीति तो तय हो गई है, लेकिन रणनीति के साथ ही जिन नामों की घोषणा किया जाना है उसको अमली जामा पहना दिया जाएगा और हमें नजर आएगा 19 तारीख का आखिर कौन लोग हैं, कौन सी जिम्मेदारी निभाने वाले। 19 का दिन भी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला जाए। जी शुक्रिया आपका सर जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की, लगातार बैठकें इस वक्त बीजेपी में जरूर चल रही है, लेकिन 19 जुलाई को होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है।